हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए डेसिमल के क्वेश्चन लेके आई हूँ। डेसिमल यानी कि आपकी कोई वैल्यू में, जब आप उसकी वैल्यू में ये जो पॉइंट लगा होता है उसके बाद भी कोई वैल्यू होती है तो इस पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम दशमलव कहते हैं। तो आज मैं आपको इसका क्वेश्चन बताऊंगी कि आप कैसे डेसिमल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि उनको ऐड करना उन्हें सब्ट्रैक्ट करना मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा
पास भी एक कम हो गया तो टू था, कितना रह गया वन। अब 11 से 7 माइनस करने हैं, तो 7 के बाद काउंट कीजिए 8 9 10 11, कितना बचा हमारे पास 4, 1 में से लेंगे 0। इस तरीके से आप डेसिमल को माइनस करेंगे और फिर जहां पर हमारा डेसिमल था यानी कि जो हमारा पॉइंट था हम उसे वहीं पर रखेंगे, ना तो उसको आगे ना फिर पीछे करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ प्लस और माइनस किया है। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने डेसिमल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी देती हूँ, आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि उसका आंसर क्या आया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डेसिमल की मल्टीप्लाई सिखाऊंगी। तो आपके लिए प्रॉब्लम है 796.25 प्लस 314.70। सेकेंड है 532.715 प्लस 231.3। नेक्स्ट 916.75 माइनस 143.20। तो बच्चों आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट में इसके आंसर जरूर बताइए। थैंक यू।